वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह, हाँ हाँ सुबह 10 बजे। एमी भी वो कुछ बोलना चाहती है। एमी क्या बोलो? अब कुछ नहीं बोलेगा बेटा, इसको आ रही अब नींद नहीं, क्योंकि पेट पूजा हो चुकी है, ये फ्रेश भी हो चुकी है, सब कुछ काम हो चुका है, बस अब आएगी, इसको नींद नहीं हो रही है, सो जाएगी। और आप देख रहे हो बेड पर सो रही है, ये ज़मीन पर कभी नहीं सोती है, बेड पर ही सोती है। और अब ये सारा 3 बजे तक वेट करेगी परी का। तो चलिए अब व्लॉग तो मैंने शुरू कर दिया है, अब मैं अपने घर के छोटे मोटे थोड़े से काम और बचे हैं वो भी कर लेती हूँ, तो मैं मिलती हूँ आपको बाद में। तो जैसे मैंने आपको सुबह करा बताया था कि घर के छोटे मोटे थोड़े से काम हैं वो मैं कर लेती हूँ, तो वो मैंने कर लिए हैं, और बाकी दिन दोबारा मुझे व्लॉग बनाने का टाइम लगा नहीं। तो अब दोपहर हो चुकी है, हम सब ने लंच वगैरह भी कर लिया है, और ये देखिए मैंने रात के खाने की तैयारी भी कर ली है, क्योंकि करेले बनाऊंगी तो करेलों में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसको नमक लगा के एटलीस्ट 1 घंटा तो रखना ही पड़ता है ताकि वो अपना कड़वापन छोड़ दे। तो उसकी मैंने तैयारी कर ली है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने करेलों को नमक लगा के रखा है, और ये इसका ऊपर का जो छिलका होता है वो उसको भी नमक लगा के रख दिया है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने नमक लगा के ढक के रख दिया है, ये एटलीस्ट 1 घंटा रहेगा, उसके बाद मैं इसको अच्छे से वॉश करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। परी स्कूल से आ चुकी है और वो इस समय क्या कर रही है। ये परी स्कूल से आ चुकी है, उसने भी लंच वगैरह अपना कर लिया है और वो यहाँ सो रही है। और एमी जी सुबह यहाँ थे और अब यहाँ हैं, और ये इसके साथ कितने आराम से रिलैक्स फील, ये एक्चुअली सुबह से 3 बजे तक इसका वेट करती है, फिर इसके आने के बाद ही थोड़ा रिलैक्स होकर आराम करती है, अब ये इसके साथ सोएगी। आप देख रहे हो कैसे लग कर सोई हुई है, ये अगर इस रूम में है तो एमी इस रूम में सोएगी, अगर ये परी मेरी साथ वाले रूम में सोती है तो ये वहाँ पहुँच जाती है। ये परी सोती है परी के साथ ही है, और किसी के साथ नहीं सोती। और आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करनी थी, आप लोग रेगुलर ब्लॉग देखते हो तो आप देखते हो कि रूम में क्या हो रहा है, ये रूम में सारे सीलन आ रखी है, ये सीलन हमारे यहाँ जो सीवर है ना उसके अंदर लीकेज है, और हमारे गली में या मतलब थोड़ा मतलब हमारे एरिया में जितने भी घर है, हमारी गली के ही लगा लो आप, तो उसमें सब में जिनके भी ग्राउंड फ्लोर के घर है ना, तो उनके अंदर ये सीलन की प्रॉब्लम है, और मेरा भी ग्राउंड फ्लोर पर ही है तो घर, तो इस चक्कर में मेरा भी रहता ही है, और इस कमरे में ज़्यादा है, बाहर तो और कहीं नहीं है इतनी खास, लेकिन ये इस कमरे में ये ज़्यादा है, इतनी बार हम इसको रिपेयर करा चुके हैं, लेकिन ये फिर से वापस से आई जाती है। और अभी तो मैंने लास्ट टाइम जब वाइट वॉश करवाया था तो उससे पहले यहाँ पे पूरा सीमेंट से प्लास्टर करवाया था, इसलिए ये मतलब थोड़ा सा सिर्फ सफ़ेदी सफ़ेदी उतरी है, वरना तो ये अंदर से दीवारें भी इतनी सीलन है कि भुरने लग जाती थी, पर शुक्र है अब की बार वो उतना बुरा हाल नहीं है, सिर्फ ये वाइट वॉश ही उतरा है, अब तो जब नेक्स्ट वाइट वॉश होगा तभी ये थोड़ा सही होगा, तो देखते हैं। पर इस चीज़ को मैं काफ़ी टाइम से बताना चाह रही थी, पर वो ये है किसी ना किसी चीज़ में हम उलझ जाते हैं और बताना भूल जाते हैं, तो मेरे माइंड से हमेशा स्किप हो जाता था। अपनी तरफ से तो जैसे तैसे घर को सही करके रखते हैं, लेकिन अब ये मजबूरी है, ये गवर्नमेंट की सीवर है, जो अब इनको हमने इतनी बार कंप्लेन कर चुके हैं। बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है अभी, जैसे मैंने अभी आपने देखा मैं सारे घर का काम कर रही थी, शाम का टाइम थोड़ा हैट्रिक हो जाता है, ज़्यादा ही हो जाता है, उसमें शाम के चाय के साथ और जो खाना पकाते हैं उस समय जो बर्तन साथ के साथ लग रहे थे वो भी हो जाते हैं। तो आटा मैंने गूंद लिया है, और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे करेले भी हाफ हो गए, हाफ नहीं मतलब हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही बन चुके हैं, प्रोसेस हो चुका है उसका पूरा बनने वाले। ये है करेले, ये है प्याज जो फ्राई कर लिए मैंने इसके साथ, आपको ऐसे लग रहे होंगे अंधेरे में, लेकिन ये कच्चे कच्चे बहुत स्वाद लगते हैं, इसी तरीके के फ्राई किए जाते हैं। और ये उसका ऊपर के जो छिलका है उसको मैं ब्राउन कर रही हूँ, ये भी ऑलमोस्ट ऐसे ही कुछ हो जाएंगे, तब जाके हम इसके अंदर एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे जिससे इन करेलों का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। The next day. Hello guys, welcome back. कर रही हूँ क्योंकि न्यू ब्लॉग नहीं करूँगी, नेक्स्ट डे है ये, लेकिन वेलकम तो बनता है, नया दिन और नई शुरुआत, तो मैं आपको इसलिए वेलकम कर रही हूँ। आज बहुत लेट हो गए, आज इसका छुट्टी है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम था तो उस दिन इसकी छुट्टी रहती है। भैया अभी देखो लंच कर रही है, दही करेले अभी खत्म होगा जो,
जो खत्म इसके फेवरेट है। और इसने इतने से ना अपने स्कूल लंच बॉक्स के लिए भी लिखवा रखी है कि मैं स्कूल लेकर जाऊँगी, अपने फ्रेंड्स को टेस्ट कराएगी। तो ये टेस्ट करवाएगी कि करेले भी बहुत टेस्टी होते, खाओ। ये देखिए 4:05 हो रहे हैं और मैंने लगा ली है मशीन, क्योंकि परी की ड्रेस नहीं थी स्कूल की, वो गंदी पड़ी हुई थी। कल वेडनेसडे है तो इसका ट्रैक सूट चलता है, तो इसलिए वो धोना है। और वैसे भी काफ़ी कपड़े हो गए थे तो धोने हैं, तो इसी चक्कर में लगे। नोनू चला गया कोचिंग। ये वैसे मोस्टली हमारा टाइम आराम करने का होता है, बट क्योंकि आज हम काफ़ी लेट उठे थे। हाँ 4 बज गए। ये देखिए ये रे कपड़े, वो पड़े कपड़े, और आज मैंने सारा अपना बाथरूम साफ किया था, सब चीज़ें अच्छे से असेंबल करके लगाई थी। वॉशिंग मशीन मेरी बाथरूम में ही है। मास्क मैं पहले सबसे पहले धोती हूँ साफ पानी में, वो मैंने धो दिए थे, तो मशीन में पानी निकल रहा है और मेरे कपड़े धुल रहे हैं। हम लोग जब इसकी नानी के घर थे ना अभी पीछे जब गए हुए थे, तो समोसे आए, वैसे ना पकड़ा नहीं जा रहा हाथ में, तो मैं हम लोगों ने समोसे मंगाए, तो समोसों के बाद क्या हुआ, जो चटनी की खाली थैली थी ना, चटनी नहीं रसगुल्लों की, गुलाब जामुन की, तो वो चाशनी की थैली वो बेड पे हम भूल गए, और ये हमारी आमी जी बड़े मजे से चिड़का रहे, ले लेके चाट रही है, और हम उसे मीठा इतना सा भी नहीं देते। हाँ जरा सा भी नहीं देते, कहते कि डॉग्स की अगर आप मीठा खिलाओगे तो उसकी बॉडी में वो डिजोल्व नहीं होता, वो घूमता रहता है, घुलता नहीं है, वो घूमता रहता है। और ये मैडम ऐसी लगी, और जैसे हमने इससे ये नोनू ने वो थैली खींची, इतना गंदा काटने को भी आज तक नहीं किया इस बच्चे ने, है ना वो भाई, उसको पहली बार कोई चीज मिली थी, चीज थी उसको कैसे मिल गई, और हम छीन रहे, फर्स्ट बार उसने मीठा टेस्ट किया था उसने। हाँ उसको हम देते नहीं है अभी, हम ना नमकीन देते हैं ना मीठा देते हैं। तो गाइस आ जाइए, शाम की चाय है, समोसे चाय है, और इस मैडम को जो समोसे थे साथ में चाय ज्यादा बनाती है मम्मी, पता चक्कर क्या, हमें ना शाम की चाय छोटे हो उसमें बनानी चाहिए, वो बड़ा होता है ना वो फ्लैट हो जाता है, हमें लगता है कम है, जब वो बन के निकलती है तो बहुत सारी निकलती है। चलो तो हम आपको चाय पी लेते हैं, चाय ठंडी हो रही है और मैं कपड़े धो के थक चुकी हूँ। हेलो गाइस, तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अब बज चुकी है रात के 10:20 पे, हम सब लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया है, स्कूल यूनिफॉर्म प्रेस हो चुकी है, आज मैं बहुत थक चुके हैं, देखते हैं। तो इसी के साथ मैं यहीं पे करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। आई होप सो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और मैं अब आपको मिलती हूँ आपके अपने अगले ब्लॉग में। आज हालत थोड़ी खस्ता हो रही है तो इग्नोर कीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आज एक के बाद बहुत सारे काम कर लिए। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।